सकता, क्योंकि जिस दिन तुमने वो गलती की थी ना, उसी दिन तुम्हारी सजा फाइनल हो गई थी। और तुम्हारी सजा पता क्या है कि तुम आज के बाद कभी भी पूरी जिंदगी किसी के भी फोन में फ्री फायर नहीं खेल सकते। ये तुम्हारी जिंदगी की मतलब सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। और लेकिन जिस दिन तुम्हें दिल से सच में रियलाइज होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, उस दिन तुम्हें इसका सलूशन भी मिलेगा। तुम दोबारा से खेल सकते हो, लेकिन तब तक तुम फ्री फायर नहीं खेल सकते। तुमने रियलाइजेशन की, इसलिए मैं तुम्हारी सड़ा सोल्डी सी कम कर सकता हूँ। तुम आज के बाद जब भी फ्री फायर खोलोगे तब BGMI चलेगी। तुम आज के बाद फ्री फायर खेल नहीं सकते, लेकिन अगर फ्री फायर खेलने की कोशिश भी करोगे तो भी BGMI स्टार्ट होगी और तुम्हारी पनिशमेंट शुरू होती है अब। ओ गाइस, यार आज हम आ चुके हैं हमारी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो कुछ खास नहीं होने वाली है, क्योंकि मतलब आपको ये क्लिप देखकर पता लग ही गया होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था पिछली बार। नहीं तो मोस्ट ऑफ बंदों को वैसे ही पता होगा कि क्या हुआ था, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमें हमारे फ्री फायर में पता नहीं वो कौन बंदा था जिसने हमें पनिशमेंट दे दी कि हेट स्प्रेड करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, और पनिशमेंट दे दी कि मैं हेट स्प्रेड कर रहा हूँ। और वो तो चलो ठीक था, इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन पनिशमेंट भी दे दी। वो पनिशमेंट ये है कि मैं आज के बाद फ्री फायर खेल नहीं सकता। मैं जब भी फ्री फायर खेलूँगा BGMI ओपन होगी। तो ये सीन हो गया। तो मतलब अब हम होने को तो टाल नहीं सकते, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जिस दिन तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगी तुम फिर से फ्री फायर खेल सकोगे। गाइस रियलाइजेशन तो मुझे उसी दिन होगी थी, लेकिन खेल मैं आज भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या कारण है यार, इसका तो हमें सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। शायद से हमें आज मिल ही जाएगा, क्योंकि आज मैं खेलने वाला हूँ इरेंगल मैप, और इरेंगल मैप में मैं एक एक बंदे को मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरा यार बदला चाहिए। बदला मैं किसी बंदे से नहीं, बदला मैं गेम से ले रहा हूँ कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले मिरर वर्ल्ड को हटाकर इरेंगल सिलेक्ट करूँगा, और उसमें मैं मैच लगाऊंगा। मैच इसलिए लगाऊंगा क्योंकि बदला मुझे चाहिए। मैंने आपको एसेट बताया, बदला मैं किसी एक बंदे से ले रहा हूँ। बदला मैं इस चीज़ का ले रहा हूँ कि मुझे उस चीज़ की पनिशमेंट मिली है जो मैंने असल गलती की भी नहीं थी। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने मैच को स्टार्ट करते हैं। तो ओके यार, हम अपनी लॉबी में आ चुके हैं। अभी 31 सेकंड का टाइम बचा है। मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि मतलब क्या हमारी वही पबजी की तरह सब कुछ वैसा ही है कि कुछ बदला है। बदला तो है ये सामने, इसको क्या कहते हैं ये जो स्नो में बनाते हैं, यार मैं उनका नाम भूल गया इसका, स्नोमैन। स्नोमैन का इधर यहाँ पे ये स्नोमैन क्या कर रहा है? सबसे पहले तो हम स्नोमैन के पास जाते हैं। और क्या है ऐसा स्नोमैन में, लाइक सभी बंदे उसके पास जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है इसके पास? ओ भाई, इसके पास कुछ पिकअप का ऑप्शन आ रहा है। ओ लेकिन हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। अब हमें वहाँ पे उतरना है जहाँ पे लाइक अब हमारे 99 बंदे हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारे प्लेन में कैबिन में बंदे बहुत ही कम हो जाएंगे, हमें वहाँ पर उतरना है। सबसे पहले अच्छी लूट करनी है, और उसके बाद मतलब पहला बंदा जो भी दिखेगा उसको इतनी बुरी तरह मारना है कि लाइक पता लग जाए सबको कि हाँ इस बंदे के साथ कुछ तो हुआ है। और ये हमारा मतलब प्लेन है, अच्छा प्लेन है, लेकिन क्या करें यार, अब फ्री फायर की मतलब यादें आ रही हैं इसको देख देख के। और हमारे कैबिन में भी 81 बंदे हो चुके हैं, और मैं यहीं पे उतरने वाला हूँ। और मैं देखता हूँ मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे उतरने वाला हूँ ये जो घर है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे लूट भी अच्छी मिल जाएगी। और बुरी बात यह है कि मेरी पिंग बहुत हाई जा रही है। तो जैसे तैसे करके गाइस मैं लैंड हो चुका हूँ, और यहाँ पे एक बंदा और उतरा है। मेरे को जल्दी से कोई अच्छी सी गन चाहिए, M416 या फिर AKM या स्कार ही मिल जाए, UMP मिल जाए, मैं उसको उठाकर जल्दी से सबसे पहले तो उसको फिनिश करने वाला हूँ, क्योंकि स्टार्ट एक से ही होगी। सबसे पहले इस घर में जाके देखते हैं, इस घर में कुछ नहीं है, एक रेड डॉट है जो कि मेरे को बाद में काम आ सकता है, वो मैं उठा लेता हूँ। और उसके बाद हम ये घर में चलते हैं। यहाँ पर भाई UMP मिल चुकी है मुझे, और ये मैग ये भी किसी काम का नहीं है, और ये भी कंपनसेटर भी नहीं किसी काम का, ये AR में काम आता है। अभी इस घर में जाके देखना है कि इस घर में क्या है। वही होलोग्राफिक स्कोप पर वो, ये हमारे पास एक बैकपैक आ चुका है, और ये मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है। और बाहर जाते हैं और हम देखते हैं कि बाहर कहीं पे कोई बंदा तो नहीं है। मेरे को लग रहा है ये घर में भी मैं जा चुका हूँ, और मेरे को बंदा लग रहा है कि यहाँ पे है। मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं यार गाइस, बंदा कहाँ पे? वो बंदा मेरे को दिख गया बंदा। सबसे पहले आसपास नहीं, बंदा इसको मैं जल्दी से नॉक करने वाला हूँ, और ये हमारा हो चुका है किल। और जल्दी से इसके पास जाके मैं लूट करने वाला हूँ। ओ ये क्या हो गया? ओ भाई ये ना स्काई को क्या हो गया? ओ भाई सब भाई क्या हो गया?
ये स्काई एकदम से कैसे बदल सकते हैं, और ये एकदम ही ग्राफिक्स ही बदल गए हैं इस गेम के तो। भाई दूर दूर तक जहां भी देखो कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब, ये स्काई को क्या हो चुका है गाइस? ओ भाई, और मेरी गेम भी नहीं चल रही है। चल पड़ी गेम तो चल पड़ी, लेकिन यार ये क्या चीज है? ओ भाई साहब, भाई मेरा बंदा हिल ही नहीं रहा है। मैं लिटरली ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मेरा बंदा हिल ही नहीं रहा। मैं जॉयस्टिक को जितना मर्जी हिला लूं, बंदा हिल ही नहीं रहा। ये क्या हो रहा है भाई? हेलो मिस्टर एक्सपर्ट, कैसे हो? और आजकल बीजीएमआई खेल रहे हो? गाइस, मेरे को हेट स्पैडर तो एक ही बंदा बोलता है, वही जिसने मैं पिछली वीडियो में मतलब पनिशमेंट दी थी। क्या तुम वही हो? मैं शायद से तुम्हें याद हो ही गया हूँ। हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पनिशमेंट दी थी, और मैंने खुद नहीं दी थी, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली थी। तुम मेरी गेम तो छीन ही चुके हो, और अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो, आके बार बार मेरी गेम्स में आई जा रहे हो? मैं फ्री फायर खेलता हूँ वो बैन कर देते हो। हेट स्प्रेडर की रही बात, यार मैं एक गेम मेरे को तब ये अच्छी लगने लगी, मैं सिर्फ इसको अच्छा बोल रहा था। मेरी गलती ये थी कि मैं फ्री फायर को बुरा बोल रहा था, मेरे को माफ। मेरे को उसकी मतलब रियलाइजेशन भी हो चुकी है कि मैं गलत कर रहा था। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम इसी गेम को भी बैन करना चाहते हो? बैन तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या तुम इस गेम को भी मुझसे छीनना चाहते हो? मैं यहाँ पे तुम्हारी गेम छीनने नहीं आया था, मैं यहाँ पे तुम्हें वार्न करने आया हूँ और तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम फ्री फायर वापस कैसे जा सकते हो। अब रही बात मैं तुम्हें क्यों वार्न कर रहा हूँ, तुमने अभी एक बंदे को मार दिया, ठीक है, वो भी मतलब गुस्से में। गुस्सा भी नहीं, तुम बदले मतलब तुम्हारे अंदर बदले की आग आ गई थी, और तुम्हें पता बदला कितना खतरनाक हो सकता था तुम्हारे लिए। तुम्हें मैं ये बता भी नहीं पाता, शायद आज के बाद हमारा संपर्क कभी हो ही नहीं पाता। वो तो अच्छा हुआ तुमने किसी और को किल नहीं किया, अभी एक ही बंदे को किल किया। लेकिन अगर तुम बहुत सारे बंदों को मार देते तो तुम्हारी पनिशमेंट ऑल द टाइम की रह जाती, मैं तुम्हें कभी हेल्प ही नहीं कर पाता। तुम ये बात को समझ रहे हो? मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और रही बात कि तुम वापस कैसे जा सकते हो, मैं वो तुम्हें बताने आया हूँ, और उसके लिए तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ एक और बंदा आएगा, वो होगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसको तुम ही चूज करोगे। एक मिनट, पहले मेरे को समझने दो। सबसे पहले तुमने मेरी फ्री फायर मुझसे छीन ली, ठीक है, और आज तुम अचानक मेरे सामने आ रही हो ये बताने के लिए कि मैंने बंदे को मारा और मेरी पनिशमेंट बढ़ जाने वाली थी, और तुम तभी मुझे बताने हो कि मैं फ्री फायर में वापस कैसे जा सकता हूँ। और तुम ये बोल रहे हो कि मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी बंदे की हेल्प चाहिए, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा और वो मुझे ही चूज करना होगा। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है चीज, जरा मेरे को समझाओ कि क्या है ये, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों मेरे को पनिशमेंट ऑल द टाइम हो जाती, क्यों ऐसा होता मेरे साथ? ये इसलिए होता क्योंकि मैंने तुम्हें तभी बता दिया था कि जिस दिन तुम दिल से रियलाइज करोगे कि तुमने गलती की है, उस दिन तुम फ्री फायर में वापस जाने का तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, ठीक है, ये बात मैंने बोली थी ना। और तभी मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे भी ऊपर कोई है जो मेरे को ये बताता है कि मुझे कब क्या करना है। ये कला तुम्हारे साथ ही हुआ, ये बहुत बंदों के साथ हुआ, ठीक है। ये होता कि उसको लगता मतलब उनको ये लगता कि तुम्हें दिल से रियलाइजेशन नहीं हुई है, तुम तो बंदों को मार रहे हो, उल्टा तुम गुस्सा हो कि तुमने मतलब कुछ किया भी नहीं। ये चीज होती, समझ रहे हो मेरी बात को, कि उनको ये लगता कि तुमको दिल से कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो मुझे भेजते ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वार्न करने आया था। और रही बात, तुम जल्दी से पहले मेरे को ये बताओ कि तुम किस दोस्त को चूज करने वाले हो, जल्दी चूज करो, टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कब वो मुझे मतलब वापस बुलाए और कब उसको पता लग जाए कि मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। मैं उसको उनको बिना बताए तुम्हें वार्न करने आया हूँ। और ये रही बात कि अगर मैं उनको जानता हूँ तो उनको ये लग रहा है मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है, मैं सिर्फ उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। और उन्होंने बोला कि एक वो बंदा सुन सकता है जो मतलब उसको किसी कारण के लिए मतलब ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, और वो मतलब बहुत सारे बंदों की वो हेल्प करेगा, और वो बंदा आज तक नहीं मिला, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन वो मिल गया, गेम का मतलब ये गेमर्स के लिए एक वरदान टाइप होगा, तुम्हें भी नहीं समझ आएगा, लेकिन हाँ ये एक वरदान टाइप ही होगा। और जल्दी से बताओ कि तुम किसको सिलेक्ट करोगे, प्लीज जल्दी।
अगर यह सच बात है तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने, मतलब मेरा एक दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, मतलब वो मेरे साथ रहा, मेरे दुख में मेरे सुख में हमेशा वो मेरे साथ रहा। मैं अमृत को चूज करने वाला हूँ। तुम श्योर हो कि तुम अमृत को चूज कर रहे हो? और क्या वो तुम्हारी मतलब साथ देगा? एक बार फिर से सोच लो, आखिरी बात पूछ रहा हूँ। मुझे ये बात और बोलनी नहीं है, बस मैं अमृत को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे उस पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। अगर मैं अपने पेरेंट्स के बाद किसी पे यकीन कर सकता हूँ तो वो अमृत है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो अमृत तुम्हारे साथ होने वाला है। और तुम कैसे जा सकते हो फ्री फायर में वो मैं तुमको बताता हूँ। ये ऐसे होने वाला है कि मतलब ये हमारी बातचीत के बाद तुम्हारे पास एक तुम्हारे मतलब गेम में एक चेंज आएगा, ठीक है? वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको अच्छा समझते हो कि बुरा समझते हो। उसमें ये होगा कि तुम्हारे पूरे मैप को, तो तुम्हारा पूरा मैप इन्फेक्ट हो जाएगा ज़ॉम्बी से, ठीक है? उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज बॉस आएंगे, इवन दोस उनके मतलब पेट्स भी आएंगे। तुमको मतलब ये बात सुनकर अंदाजा नहीं होगा, तुमको मैं कुछ दिखाता हूँ, तुम उससे अंदाजा आ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे मैप में क्या चेंजेस आएंगे। और वो क्लिप है ये। देख के ही मुझे इतना डर लग रहा है, कितना ज्यादा हार्ड है ये, क्या सच में मुझे इससे लड़ाई करनी पड़ेगी? तुम मतलब मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तुम्हें बिल्कुल यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम अपनी गेम में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना तुम रहने भी दे सकते हो। और एक बार मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम ये पूरा कर रहे हो, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सिर्फ तुम एक ही बार करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ एक ही बार में, तुम इससे ज्यादा एक से ज्यादा कोशिश नहीं कर सकते। अगर एक बार में हो गया तो ठीक है, वरना तुम नहीं कर पाओगे। और इस बीच तुम अमृत से बिल्कुल बात नहीं कर पाओगे, उसे सब कुछ पता होगा लेकिन तुम उससे कुछ भी बात नहीं कर पाओगे। और एक बार अगर तुमने ये कर लिया, तुम फ्री फायर में भी वापस चले जाओगे और तुम्हें इतने ज्यादा गिफ्ट्स मिलेंगे, मतलब तुम्हारी इतनी मेहनत का तुम्हें फल भी जरूर मिलेगा। तुम्हारी फ्री फायर आईडी में बहुत कुछ होने वाला है चेंज इसके बाद, और तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब ये डिसाइड करना है कि तुम्हें ये अब अकेले करना है कि तुम्हें अमृत के साथ बाद में करना है, जब भी तुम्हारा असली वक्त होगा इसको करने का, ठीक है? मेरे को जल्दी बता दो। अब अगर मुझे ये करना ही है तो मैं अकेले नहीं करूँगा, मैं अमृत के साथ बाद में करूँगा। और मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं अपनी फ्री फायर में वापस जा सकूँ। मेरे लिए वही सबसे बड़ा वाला गिफ्ट होगा। तो तैयार हो जाओ, तुम प्रिपेयर हो जाओ इस लड़ाई के लिए, क्योंकि तुम्हें ये करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और बस आज मैं तुमसे इतना ही बात कर सकता हूँ, जल्दी से प्रिपेयर हो जाए क्योंकि भाई तुम्हें बहुत कुछ सहना है अभी आगे।